बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। महिलाओं को प्रेग्नेंट कीजिए और 13 लाख रुपए ले जाइए। क्या आपके पास भी ऐसे फोन या मैसेज आए हैं जिसमें इस अनोखे काम की आपसे पेशकश की गई है और बदले में आपको इस काम के लिए 13 लाख रुपए मेहनताना के तौर पर देने की बात की गई है? तो सावधान हो जाइए वरना आप भी हो सकते हैं इस गिरोह के शिकार। दरअसल बिहार में साइबर ठगी का एक ऐसा नया तरीका सामने आया है जिसको जानकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं। इस गिरोह ने ना जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर ली है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नवादा के गुरमा गांव की एक बोरिंग घर से साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर निसंतान दंपति महिलाओं को प्रेग्नेंट करने को लेकर धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर मुख्यालय डीएसपी सह साइबर थाना प्रभारी कल्याण आनंद के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरमा गांव स्थित ईंट के बने बोरिंग घर के पास से छापेमारी की गई तो वहां से पकड़े गए गुनाहगारों ने एक एक करके सारा राज उगल दिया और कैसे ये सारा खेल खेला जा रहा था। पकड़े गए सभी 8 साइबर ठग ने मुफस्सिल थाना के गर्मा गांव के शत्रुधन कुमार 20 वर्ष, राजेश कुमार 32 वर्ष, प्रभात कुमार 30 वर्ष, कविंद्र प्रसाद कुमार 42 वर्ष, गोपाल दास 22 वर्ष, अनिल कुमार 24 वर्ष, अजय कुमार 24 वर्ष के साथ लक्ष्मण कुमार 19 वर्ष सहित 8 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, प्रिंटर मशीन, सिम, डाटा एवं अन्य कागजात बरामद किया है। वहीं इस मामले में मुख्यालय डीएसपी कल्याण आनंद ने साइबर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर ये लोग भोले भाले लोगों को मोबाइल फोन से संपर्क कर बताता था और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे उन महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई तो 13 लाख रुपए देने का झूठा वादा करते थे, अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो 5 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया जाता था। जब कोई इस काम के लिए तैयार हो जाता था तो उससे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर 799 रुपया लिया जाता था, फिर उससे सेक्रेटरी के फीस के नाम पर 5,000 के से लेकर 20,000 तक की ठगी की जाती थी। गिरफ्तार सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं फरार साइबर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी